तो ये है दोस्तों, वो स्क्रीन पर घड़ी आप देख सकते हैं, और आगे जाकर वो बंदा मुझे मिलता है दोस्तों दोबारा फिर से। और मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ के हो, तो उसने अपनी रिहाइश दोस्तों सऊदी अरबिया जिद्दा की ही बताई। और कैजुअली मैंने उससे पूछ लिया कि इसकी कीमत कितनी होगी, तो दोस्तों इसने 36,000 रियाल कीमत बताई घड़ी की, तकरीबन इंडिया के 6 से 7 लाख के करीब। और 1 लाख कीमत दोस्तों इस अंगूठी की बताई, 7 लाख तक का ये सामान था। तो मुझे सुनकर भी काफ़ी ज़्यादा आश्चर्य हुआ। तो ये सब दोस्तों मैंने वीडियो में बताया है कि मैंने किस तरह से वो घड़ी जो है अपने हाथ में ली और उस तक पहुंचाई। और पूरा ये वीडियो दोस्तों आप लोगों को आगे देखने को मिलेगा, तो क्लिक करिए दोस्तों वीडियो का एंजॉय। तो चलते हैं सीधे वीडियो में। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त विपिन शर्मा इस वक्त मैं सऊदीया एयरलाइन प्लेन के वॉशरूम में हूँ। और आप भी सोच रहे होंगे कि यार क्या पागल है, मतलब वॉशरूम में भी वीडियो बना रहा है। लेकिन यार वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये है कि मैं अभी जैसे ही वॉशरूम यूज़ करके बाहर निकल रहा था, तो ये यार कोई वॉशरूम यूज़ करके गया है और यहाँ पर घड़ी और एक रिंग है ये कोई यार इसकी छूट गई है, यहाँ पर लटकाई हुई थी, देख सकते हैं यहाँ पर जो है रिंग और घड़ी लटकाई थी, कोई यूज़ करके गया है। तो घड़ी काफ़ी कॉस्टली है यार, ये दिखाने की कोशिश करूँगा, रोलेक्स की घड़ी है, काफ़ी ज़्यादा यार इम्पोर्टेंट घड़ी है और काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है। तो यार इसे हम अब वापस करेंगे, तो थोड़ा सा यार मैं सबूत तौर पर ये वीडियो बना रहा हूँ कि कोई यार ऐसे ना बोले कि कोई ये घड़ी में मतलब कहीं से चुरा के लाए हूँ या क्या। ये इस वक्त यहाँ से मैं अभी निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो अभी यार मैं मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये मतलब वापस करूँ तो किस तरह से करूँ, तो अभी यार कोई ना कोई मतलब सिस्टम लगाना पड़ेगा। तो ये घड़ी जो है ये मैं उस पर्सन के पास कैसे पहुंचाऊं जिसकी ये घड़ी है, मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि प्लेन यार पूरा लोगों के साथ भरा हुआ है और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं मतलब क्या करूं। अगर मैं इसे प्लेन में किसी पर्सन को देता हूं, जैसे एयर होस्टेस को या पायलट को, तो यार मुझे नहीं, मैं इस चीज़ का मुझे बिलीव नहीं होगा कि वो जिस पर्सन की ये घड़ी है उसके पास पहुंच पाएगी या नहीं। तो एक बार मैं कोशिश करूंगा दोस्तों कि ये जिस पर्सन की घड़ी है और ये रिंग है ये उस तक पहुंच जाए। तो ठीक है भाई, ये इस उद्देश्य से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि यार कोई मेरे ऊपर ब्लेम ना लगाए, क्योंकि यार अगर मैं ना उठाता तो कि कोई और उठाता, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये वीडियो शूट किया है कि यार कल को मेरे ऊपर कोई ब्लेम ना आए और जिसकी ये घड़ी है उसके हाथों तक पहुँच जाए, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा कि उस जिस पर्सन की ये घड़ी है वहाँ तक मतलब फुल कोशिश करूँगा। बाकी देखते हैं भाई, अभी चलते हैं और बाहर निकलते हैं। अब यार एकदम से देखो, मैं इस घड़ी को मतलब यहाँ पर ऐसे नहीं बोल सकता कि यार ये घड़ी किसकी है, तो हो सकता है कि भी कोई भी उठ के यार बोल दे कि मेरी है। तो मुझे एक समझ ही नहीं आ रहा मतलब कि मैं ये घड़ी कैसे मतलब उस पर्सन तक पहुँचाऊँ। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ, अगर बात बनती है तो ठीक है, नहीं तो यार एयर होस्टेस को ही देनी पड़ेगी ये घड़ी। तो देखते हैं, अनाउंसमेंट करवा देंगे प्लेन में, जिसकी भी घड़ी होगी तो यार वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, मेरी वीडियो बनाने का यही मकसद था दोस्तों। तो ठीक है, चलते हैं। आई होप कि ये जिस पर्सन की घड़ी है उसके हाथों तक सही सलामत पहुँच जाएगी, ठीक है भाई। तो फ्लाइट दोस्तों लैंड हो चुकी है, अब फटाफट मैं जल्दी से आगे जाता हूँ और अनाउंसमेंट करवाता हूँ दोस्तों, नहीं तो लोग बाहर जाने स्टार्ट कर देंगे। तो घड़ी दोस्तों इस वक्त मैंने सबमिट करवा दी है आगे, लेकिन तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं, अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुई। तो यार एक बार पूछना पड़ेगा, क्योंकि ये तो बिल्कुल चुप्पी साधे हैं और जेब में दोस्तों इन्होंने अपनी घड़ी डाल ली है, तो अभी पूछते हैं। Watch announcement. Watch, watch. Announcement, no? Yeah, we did. We did. We found the guy. Thank okay. you. Okay, you're okay. Take care. तो भाई जो घड़ी यहाँ पर गुम हुई थी मैंने वो एयर होस्टेस को दे दी है और वहाँ पर अनाउंसमेंट करवा दी है। अभी देखता हूँ वो घड़ी किसकी है, पूछते हैं। नहीं अजय, मैं बंदा देखना है, देखो मैनू मुझे घड़ी मिली थी ना एक वॉशरूम में, तो वो मैंने उसको दी है, एयर होस्टेस को दी है, वो आ गया। एक मिनट। हाँ, सलाम वालेकुम। हगी अंता हजा
والله كيف ما حقي انا هذا والله هذا انا خلي ليش انا سؤال واش واش انت اوكي اوكي ليش سؤال يعني خلي انا هو شوف اه ايوه شكرا ما في مشكله انا شوف هذا من نفر بعدين انا شو انا فكر هذا ما في جيب انا غلط عن نفر معلوم لا بعدين انا ركب فيديو ما في مشكله هاجي انت ما في مشكله بعدين انا ركب فيديو اول انا اكلم هذا ما في معلوم من نفر انا اتي هو ثاني نفر بعدين ركب انا مين انا يجي مشكله بعدين نفر اكلم هذا سيم سيم تيف معلوم تيف ايوه بعدين ركب فيديو بس خلاص شكرا شكرا ما في شكرا ما في اوكي तो भाई इस बंदे की वो घड़ी थी जो वापस कर दी गई है तो ठीक है भाई हमें भी खुशी हुई कि सही पर्सन के पास वो घड़ी पहुंच चुकी है ठीक है भाई ओके माफ़ी मुश्किल से देख थैंक यू तो भाई सही बंदे के हाथ में घड़ी पहुंच चुकी है और वीडियो तो मैंने यार इसलिए बना ली कि यार मैं सामान लेके जा रहा हूँ और कहीं ऐसा ना हो कि पीछे से अनाउंसमेंट हो जाए या बंदा मतलब अनाउंसमेंट करवा दे कि मेरी वॉच गुम हो गई या चोरी हो गई है तो कल को ब्लेम ना हो जाए और इसलिए मैंने वो वीडियो भी बना ली तो उसके साथ साथ यार शेयर करना भी मैंने सीधी सी बात ऐसे ही समझा तो वीडियो शेयर भी कर रहा हूँ और ठीक है भाई इस वक्त हम अपना एयरपोर्ट के अंदर है जिद्दा और अभी तकरीबन आधा घंटा रह गया है और इसके बाद निकलेंगे हम सीधा ही दिल्ली के लिए तो ठीक है भाई चलते हैं और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और प्लीज़ यार कमेंट जरूर कीजिए तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय टाटा लव यू टेक केयर सी यू